नमस्कार। वीकेंड लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीकेंड में जिस केस को लेकर, जिस मुकदमे को लेकर खड़ा हुआ हूं, उस मुकदमे का नाम है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 2020 अगस्त में ये डिफाइन किया गया है, इसे डिटरमाइन किया गया है। इस मुकदमे का मेन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कही जाए तो वो पीएम केयर्स फंड है। हम सभी जानते हैं कि पिछले साल के नवंबर दिसंबर के बाद से ही कोविड महामारी का स्वरूप ले चुका था। ये चीन के वुहान सिटी से निकल करके ये देश, विश्व के हर एक देश को इसने प्रभावित किया। भारत की वर्तमान सरकार ने भी कोविड को लेकर के पिछले साल से अपनी रूपरेखा स्टार्ट की, अपनी कार्यवाही स्टार्ट की और मार्च के बाद हम सभी लॉकडाउन को सामने सामने फेस कर रहे हैं। असल में ये सारा मुद्दा, अगर फैक्ट की बात करें तो ये सारा मुद्दा कोविड 19 को लेकर के नहीं है। इसमें कहीं भी सरकार की रूपरेखा को लेकर, सरकार की कार्यवाही को लेकर के ज्यादा दिक्कत नहीं है। ज्यादा परेशानी का सबब बना 27 मार्च 2020 को, जब पीएम केयर फंड की स्थापना की गई एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में, उसे रजिस्टर कराया गया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत। तब से यह राजनीतिक हो हल्ला मचने लगा। राजनीतिक हो हल्ला किस बात का? राजनीतिक हो हल्ला मचने लगा कि आखिर जरूरत क्या हुई पीएम केयर फंड को बनाने की, जबकि वहीं पर यूपीए सरकार के द्वारा एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड कह सकते हैं, जिसे धारा 46 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पहले से मौजूद है। अब इसमें कहा क्या जाने लगा, बहुत सारे तर्क उठने लगे मीडिया की ओर से, मीडिया में भी चर्चा होने लगी कि ये जो पीएम केयर फंड है, इसकी जो जांच होगी वो सीएजी नहीं करेंगे, जबकि जो धारा 46 एनडी, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड बना है, उसकी जांच सीएजी कर रहे हैं। अब सीएजी को क्यों लाया गया? सीएजी को लाया गया वर्तमान सरकार के इस पीएम केयर फंड को यह दिखाने के लिए कि कहीं ना कहीं इसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी होगी। और यह सारा, यह पूरा घटनाक्रम मार्च के बाद शुरू हुआ और दरवाजा आ गया सुप्रीम कोर्ट का और केस आई सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर 3 सदस्यीय खंडपीठ ने अपना डिसीजन दिया और तीनों जजेस थे जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर एस रेड्डी एंड जस्टिस एम आर शाह। यहां सीधे आ जाते हैं कि आखिर वो 5 विवादित बिंदु कौन कौन से थे जिस पर यह मुकदमा लाया गया और उन 5 विवादित बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या रुख स्पष्ट किया। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फंड को अलग अलग तरीके से पढ़ा भी है और उसकी विवेचना भी की है कि आखिर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड क्या है, उसमें क्या हो सकता है और पीएम केयर फंड में क्या क्या इनके संगठन हैं, किन से मिलकर ये बनता है, कितने इसके ट्रस्टी होंगे। अगर सीएजी इसको, इसकी जांच नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा क्या है इसमें कि वास्तव में सीएजी इसकी जांच नहीं कर पाएंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात कर रहा हूं। फिर उससे क्या इसके स्टेटस पे क्या बदल जाएगा, क्या सचमुच में पीएम केयर फंड को बनाने की जरूरत थी या नहीं। इसके बाद भी इसमें यह विवाद उठने लगा, सरकार ने मार्च और अप्रैल में 2 नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन जारी करके नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में से कुछ पैसे निकाले और वो पैसा स्टेट डिजास्टर के रूप में, ये जब कोविड डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया, इसके बाद स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 22,184 करोड़ रुपए के अपने शेयर में से पहला हिस्सा 11,092 करोड़ का इशू किया है, जिसमें से सबसे ज्यादा पैसा 1,611 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को दिए गए, जबकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और वहीं सबसे कम पैसा 6 करोड़ रुपए गोवा को मिले, जबकि वहां बीजेपी की सरकार है। बार बार पार्टी की बात क्यों? इसलिए कि बार बार इस बात, जो इस तरीके से ये पूरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपके सामने रखेंगे, आप ये देखिएगा, लास्ट में ये प्रश्न मैं आपके लिए खुला छोड़ के जाऊंगा कि क्या आपको किसी भी 5 आधार में से किसी भी आधार पर ये लगता है कि इसमें कहीं से भी पब्लिक का कोई इंटरेस्ट था, और क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मुकदमे में
जो भी पिटिशनर थे उनसे कंपनसेशन नहीं वसूलना चाहिए था। शुरू करते हैं आज के इस वीकेंड लेक्चर सीरीज में से, आज के इस वीकेंड लेक्चर। यहां पर सबसे पहले आते हैं इश्यू नंबर वन। क्या पहला जो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया पिटिशनर की ओर से, वो ये रखा गया। क्वेश्चन नंबर वन की अगर बात करें, कोविड 19 को लेकर के देश की वर्तमान केंद्र की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नवंबर में ही जारी कर दिया गया, इसमें एक प्लान बताई गई। अब यहां पिटिशनर का कहना था कि सरकार जो है वो एक नेशनल प्लान के साथ आए। अब ये नेशनल प्लान वो ला कहां से रहे थे? नेशनल प्लान का जिक्र वो कर रहे थे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के 2005 के इस एक्ट के सेक्शन 11 से। वो ये कह रहे थे कि सेक्शन 11 में जिस तरह से नेशनल प्लान बताने की बात की गई है, वर्तमान सरकार को भी कोविड 19 को लेकर के ऐसे नेशनल प्लान को लाने की जरूरत है। ऐसा नेशनल प्लान पिटिशनर के हिसाब से अभी तक सरकार लेकर नहीं आई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को डिस्कस करना शुरू किया, तो पहला जो प्रश्न उठा वो सेक्शन 11 को लेकर के उठा। सेक्शन 11 ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब जरा देखते हैं कि आखिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के क्या प्रोविजंस आते हैं, क्या कहती है कोर्ट। तो यहां अगर ध्यान दीजिए तो सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 3 आती है। सेक्शन 3 ये कहता है कि एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी और इस अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो ही होंगे। यहां सेक्शन 6 जो है वो इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पावर और फंक्शन की बात करता है। अब उसमें भी आप सेक्शन 6 क्लॉज 2 क्लॉज बी की ओर ध्यान दीजिए तो वो नेशनल प्लान बनाने के लिए एथराइज करता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बात उठेगी कि आखिर ये नेशनल प्लान कैसे गठित होगा, कैसे बनेगा, इसके लिए आते हैं सेक्शन नंबर 11। यही सेक्शन जो आपके सामने लिखी, सेक्शन 11 ये कहता है कि नेशनल प्लान बाई नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी will be framed in consultation with the state government and approved by national authority. अब national plan किस चीज को लेकर बनेगा? तो 2005 के इस National Disaster Management Act को जब आप पढ़ेंगे, उसके section 11 को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि national plan इन बात पे बनेगा कि जो भी disaster आने को हैं, जो भी disaster आने वाले हैं, जिसका disaster के रूप में वो आ सकते हैं, उनके प्रिवेंशन को लेकर क्या क्या करना जरूरी है, और अगर डिजास्टर हो चुका है तो उस डिजास्टर से होने वाले नुकसान को हम कहां तक कम कर सकते हैं, ऐसा क्या क्या उपाय करें कि उस डिजास्टर से अफेक्टेड लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसे मिनिमाइज किया जा सके। अब पिटिशनर का यह तर्क था कि ऐसा कोई नेशनल प्लान सेक्शन 11 में अभी तक सरकार जो है वो लेकर नहीं आई। अब कोर्ट ने जो सरकार ने नोटिफिकेशन इशू की थी, जो सरकार ने अपनी प्लान बनाई थी नवंबर 2019 में, जिसको सामने रखा, और इन दोनों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यहां पर जो प्लान सरकार की ओर से डिस्कस किया गया है उसमें हमें कोई कमी नहीं नजर आती। ठीक है कि वो सेक्शन 11 का इस्तेमाल करते हुए जारी नहीं की गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार ने जो प्लान रखा है उस प्लान में भी वो सारी शर्तें, सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं जो धारा 11 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डिमांड कर रहा था। और यहां पर कोर्ट ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिए गए एक फैसले को कोर्ट किया। केस का नाम है गौरव कुमार बंसल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया को कोर्ट किया इस क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में। केस का नाम है गौरव कुमार बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको डिटरमाइन किया गया। इस कोर्ट को कोर्ट ने कोर्ट किया और कहा कि अगर आप इस केस को पढ़ेंगे तो वहां आपको यह मिलेगा
कि अगर सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी गई हैं, अगर मान लीजिए कि कोई नोटिफिकेशन है, कोई प्लान डिस्कस की गई है, कोई एक्ट ऐसा किया गया जिसमें जो काम किया जाना चाहिए उसकी सारी नीड नेसेसिटी पूरी हो चुकी है, तो सिर्फ अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल लेकुना है, कोई टेक्निकल लेकुना खड़े हैं, कोई टेक्निकल लेंचेस खड़े हैं, तो उन टेक्निकलिटीज के ग्राउंड पर उस काम को चैलेंज जो किया जाए उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सही ही कहा कि मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या सारे टेक्निकलिटी को पूरा करना है, या मेन मुद्दा अगर पब्लिक की जगह आके सोचें तो पब्लिक तो केवल इतना चाहती है कि इस परेशानी में उनको कम से कम परेशानी झेलनी पड़े, इस महामारी में कम से कम परेशानी उनको झेलनी पड़े। अब जो प्लान सरकार बना के ले आए वो धारा 11 में लेके आए, बिना धारा के लेके आए, या किस एक्ट में लेके आई है, इसका जनता से सामान्यतः कोई लेना देना नहीं होता। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और कहा कि यहां सरकार ने जो प्लान डिस्कस किया है, सरकार ने जिस तरीके से अपनी रूपरेखा सामने रखी है, COVID-19 को लेकर के जिस तरह से प्रोएक्टिव मैकेनिज्म सरकार ने इस्तेमाल किया है, वो धारा 11 की शर्तों को पूरा करता है, तो कोई जरूरत नहीं है केंद्र की सरकार को कि वो फिर से एक बार नेशनल प्लान बना करके और फिर उसको धारा 11 का मुलम्मा चढ़ा करके जनता के सामने लेकर आए। तो पहला जो तर्क इनके द्वारा रखा गया पिटिशनर की ओर से कि एक नए प्लान के साथ आना होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आते हैं इशू नंबर दो के ऊपर। इशू नंबर दो भी केवल कह लीजिए कि मतलब हमें कोर्ट में जाना है, कुछ कहना है, इसलिए कहा गया। इशू नंबर टू क्या है कि क्या वर्तमान सरकार को जो उसने COVID-19 के महामारी के समय जो गाइडलाइन इशू की, इस गाइडलाइन को नजरअंदाज करते हुए एक दूसरी गाइडलाइन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 का इस्तेमाल करके फिर से जारी करना होगा। पहले में उन्होंने कहा कि धारा 11 में नेशनल प्लान लेके आइए, वो खारिज हो गया। अब दूसरा ग्राउंड रख रहे हैं सेक्शन 12 का, और सेक्शन 12 में क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 12 का इस्तेमाल करके अब आप क्या कीजिए, न्यू गाइडलाइन इशू कीजिए, न्यू गाइडलाइंस ले आइए। अब प्रश्न उठता है कि आखिर धारा 12 में ऐसा है क्या, जरा उसको देखते हैं। कोर्ट ने भी उसको देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप सेक्शन 12 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 12 में लिखता है कि नेशनल अथॉरिटी एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ के लिए गाइडलाइन फिक्स करेगी। जो नेशनल अथॉरिटी होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ, क्या आखिर रिलीफ के मिनिमम स्टैंडर्ड क्या दिए जाएंगे, इसके लिए गाइडलाइन फिक्स करेगी। और जिससे कि उस महामारी से, उस डिजास्टर से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी सुरक्षा की जा सके, विशेष करके उनके फूड को लेकर के, उनके शेल्टर को लेकर के, उनके क्लॉथ को लेकर के एक मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा। इसमें विधवाओं का और ऑर्फेंस का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस डिजास्टर में जिन भी लोगों की जाने गई हैं, जिन लोगों की लिवलीहुड गए हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, इन बातों की बात धारा 12 करते हैं। अब पिटिशनर का कहना है कि सरकार जो है वो धारा 12 में मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स करे और उसे सामने लेकर आए। सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसमें भी यह बताया गया है कि आखिर रिलीफ की क्या परिभाषा होगी, कोविड के रिहैबिलिटेशन कैंप्स की क्या व्यवस्था होगी, रिहैबिलिटेशन कैंप्स कहां इस्टैब्लिश किए जाएंगे, उसमें खाने की क्या व्यवस्था होगी, उसमें सैनिटेशन की क्या व्यवस्था होगी, उसमें शेल्टर की क्या व्यवस्था होगी, उसमें पानी को लेकर क्या व्यवस्था होगी, इन सारी बातों को विस्तार से गाइडलाइन में इशू किया गया। अब जब उन दोनों चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह फिक्स किया कि दे आर नोटिफाइड, दे आर सेटिस्फाइड विद द गाइडलाइंस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इन तीनों विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि हम सरकार ने जो गाइडलाइन इशू की है हम उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। और फिर से उन्होंने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सरकार को फिर से धारा 12 में
एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ के लिए गाइडलाइंस लेकर आनी चाहिए। मतलब जो दोनों तर्क थे बेकार के, केवल सुप्रीम कोर्ट का समय जाया करने के लिए जो रखे गए कि धारा 11 में एक नेशनल प्लान लेके आए वो भी खारिज हो गया, और धारा 12 में ये कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ लेके आए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए आप किस सेक्शन में आ रहे हैं, आप कौन सा चोंगा पहनकर आ रहे हैं, ये जनता के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देश के लिए भी जरूरी नहीं। जरूरी क्या है कि आखिर इस महामारी के समय जो भी लोग कोविड के ट्रीटमेंट सेंटर में रखे जा रहे हैं या कह लीजिए कि रिहैबिलिटेशन कैंप्स में रखे जा रहे हैं, उनके भोजन की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, उनके शेल्टर की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, किस धारा में व्यवस्था हो रही है इसको कोई आदमी जानना नहीं चाहता। तो यहां पर न्यायालय ने भी कहा कि धारा 12 में कोई जरूरत नहीं है कि आप फिर से एक नया नोटिफिकेशन लेके आइए, एक नई गाइडलाइन लेके आइए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर वास्तव में यह केस की गई थी, वो है इशू नंबर 3, इशू नंबर 4 और इशू नंबर 5। अब इशू नंबर 3 क्या है? इशू नंबर 3 कहता है कि क्या यूनियन ऑफ इंडिया जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के धारा 46 में गठित की गई है, क्या उससे कोविड-19 के लिए फंड निकाल सकती है? और पीएम केयर फंड जिसको कि मार्च 2020 में बनाया गया, इसकी जरूरत क्या थी? और पीएम केयर फंड को लेकर के चैलेंज किया गया कि पीएम केयर फंड की जो खर्चे और बाकी चीजें होंगी इसकी जांच सीएजी भी नहीं करेगा। फिर चौथा जो इशू रखा गया वो ये कि ये जो पीएम केयर फंड बना दिया गया, इसके बाद जो है यहां तर्क दिया गया कि 2015 में एक नोटिफिकेशन करके सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में लोगों का पैसा आना रोक दिया है। और फिर पांचवा यह विवादित बिंदु रखा गया कि इस समय जितना भी पैसा पीएम केयर फंड में जमा हुआ है उसे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में जमा कराया जाए। अब इन तीनों प्रश्नों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड की पूरी व्यवस्था को पढ़ा और साथ ही साथ एनालिसिस की पीएम केयर फंड की कि आखिर दोनों फंड में ऐसा क्या डिफरेंस है, ऐसी क्या दिक्कत परेशानी है पिटिशनर को कि अगर पैसा पीएम केयर फंड में चला जाता है तो उससे क्या बन बिगड़ जाएगा, क्यों उसको एनडीआरएफ में डालना जरूरी है, ऐसा पिटिशनर का मानना है। तो धारा यहां पर जो विवादित बिंदु नंबर 3, इशू नंबर 3 है, वो इशू नंबर 3 अगर आप देखें तो इशू 3, 4 और 5 तीनों ही इशू, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो ये नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड वर्सेस पीएम केयर फंड के रूप में दिखाई देगा। अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर दोनों में गठन में क्या अंतर है, दोनों में आखिर क्या क्या ऐसे प्रश्न हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सवालों के जवाब के लिए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और पीएम केयर फंड के गठन और व्यवस्था को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को जब आप देखेंगे तो इसके लिए आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को देखना होगा, उसके चैप्टर नंबर 9 को देखिए। उसका चैप्टर 9 जो है वो फाइनेंस अकाउंट और ऑडिट की बात करता है। चैप्टर 9 में एक सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 46। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को अगर हम कहें तो यह सेक्शन 46 ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का चैप्टर 9 आता है। चैप्टर 9 में धारा 46 आती है जो कि इस फंड के गठन की बात करती है। और यह कहता क्या है कि केंद्र सरकार ने इस फंड के गठन के लिए 27 सितंबर 2010 को 27th ऑफ सितंबर 2010 को नोटिफिकेशन जारी की और यह नोटिफिकेशन का पब्लिकेशन हुआ 28 सितंबर 2010 को।
इस गाइडलाइन के पैरा नंबर 3.1 को कोर्ट ने कोट किया। पैरा 3.1 कहता है कि नेचुरल कैलेमिटीज ऑफ साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट एंड पेस्ट अटैक कंसीडर टू बी सीवियर नेचर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर बाय स्टेट गवर्नमेंट इन एक्सेस ऑफ द बैलेंसेस अवेलेबल इन इट्स ओन स्टेट ऑफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड विल क्वालिफाई फॉर इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। अब समझिए, सामान्य भाषा में, सामान्य आदमी की भाषा में, बिना लॉ की टेक्निकलिटी के, कि धारा 46 जो है वो एक फंड बनाती है। ये फंड जो है वो नेशनल स्तर पे बनाया गया और इसी के साथ स्टेट में भी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की व्यवस्था की गई और कहा गया कि सूखे के समय, बाढ़ के समय, साइक्लोन के समय, चक्रवात के समय, लैंडस्लाइड के समय, फायर के समय, फ्लड के समय, और मान लीजिए कि कहीं पर बादल फट जाए, इन सारी जगहों पर अगर किसी राज्य सरकार ने जो उनका स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है अगर उससे ज्यादा उन्होंने पैसा खर्च कर दिया है तो उन्हें नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से मदद दी जाएगी, ऐसा धारा 46 में लिखा हुआ। अब अगर राज्य की सरकार ने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया तो क्या वो सीधे सीधे मांगेंगे और केंद्र से ये फंड मिल जाएगा? तो इसके लिए भी व्यवस्था दी गई है। जब आप इसके पैरा 7.1 को पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए तो वो एक मोमेंटम पेश करेगा। मोमेंटम पेश करेगा किसके सामने? केंद्र के सामने, संघ के सामने। और सेंटर क्या करेगा? सेंटर उसकी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करेगा। अब अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद सेंटर को यह लगता है कि अभी भी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसे हैं तो उनको निर्देश दे देगा कि अभी आपके पास पैसे हैं, आप वहां से खर्च करें। और अगर सेंटर को लगता है कि हां राज्य को सचमुच में मदद की दरकार है तो वहां पर सेंटर की एक टीम जो है वो असेसमेंट करेगी, जो कि स्पॉट असेसमेंट होगा, असेसमेंट करके अपनी रिपोर्ट देगी। ये रिपोर्ट नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश की जाएगी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत बनी, और वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे। फिर इस पर हाई लेवल कमेटी बैठेगी और हाई लेवल कमेटी अप्रूव करेगी कि कितना पैसा किस सरकार को देना है, किस राज्य की सरकार को कितना पैसा दिया जाना है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से। अब ये तो चर्चा हो गई नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में। अब आ जाते हैं कि आखिर ये विवादित पीएम केयर फंड क्या वाला है, आखिर माजरा क्या है पीएम केयर फंड का। तो पीएम केयर फंड को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में बनाया गया है। कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद एक जरूरत महसूस की गई कि एक डेडिकेटेड नेशनल फंड होना चाहिए जिसका इस्तेमाल इस तरह की इमरजेंसी या महामारी के समय किया जा सके। अब तो आखिर इसको गठित किया गया पीएम केयर फंड को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में। अब जब ट्रस्ट बना तो निश्चित है कि ट्रस्ट का कामकाज देखने के लिए कुछ लोग अपॉइंट किए गए। तो कहा गया कि इसका जो चेयरपर्सन होगा, जो चेयरपर्सन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये एक्स ऑफिशियो होंगे। एक्स ऑफिशियो कहने का मतलब जो भी आदमी प्राइम मिनिस्टर होगा, आज मोदी साहब है, कल कोई दूसरा हो, जो भी आदमी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इस पीएम केयर फंड का चेयरपर्सन होगा। इसके साथ ही इसमें तीन और ट्रस्टी होंगे, वो कौन होंगे? इसके साथ होंगे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, और इसके साथ होंगे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। ये लोग भी जो इसके ट्रस्टी होंगे वो भी एक्स ऑफिशियो होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आ रहे हैं ट्रस्टी होकर। जो भी देश का गृह मंत्री होगा, जो भी देश का रक्षा मंत्री होगा, जो भी देश का
वित्त मंत्री होगा वो एक्स ऑफिशियो इस पीएम केयर फंड का ट्रस्टी होगा। अब ये लोग मिलकर के तीन और ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे, अब यहां पर थ्री मोर ट्रस्टी, तीन और ट्रस्टी अपॉइंट किए जाएंगे। वो कहां से होंगे, क्या वो भी मिनिस्टर होंगे? आंसर है नहीं। वो जो तीन लोग चुने जाएंगे, कहता है कि हु शैल बी इमिनेंट रिसर्च हेल्थ साइंस सोशल वर्क लॉ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलैंथ्रोपी, मतलब लॉ के समा लॉ के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, रिसर्च के क्षेत्र से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, फिलैंथ्रोपी से तीन और ट्रस्टियों को अपॉइंट किया जाएगा। मतलब ये सात सदस्यीय व्यवस्था बनाई गई। अब आ जाइए कुछ और इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। ये जो पीएम केयर फंड बनाया गया, इसको बजट से एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पीएम केयर फंड को बजट से एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। हां, इतना जरूर व्यवस्था की गई कि कोई भी नागरिक, कोई भी विदेशी व्यक्ति भी, या कोई जितने ये उद्यम चलाने वाले उद्योगपति हैं, ये भी अगर पीएम केयर फंड में पैसा देते हैं, ये वॉलंटरी देना होगा, कोई प्रेशर नहीं। तो अगर इसमें जो डोनेशन आएगी उसे इनकम टैक्स से छूट मिलेगी, और ये जो एग्जम्पशन दिया जाएगा ये 100% दिया जाएगा। मतलब आपने अगर 1,00,000 रुपए आपने डोनेट किया पीएम केयर फंड में, तो उस 1,00,000 रुपए को आप अपनी इनकम की जब इनकम टैक्स का जब रिटर्न दाखिल करेंगे, तो मान लेते हैं कि आपकी इनकम टोटल 5,00,000 रुपए बनती है, तो उसमें वो 1,00,000 रुपए डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब आपकी इनकम 4,00,000 ही समझी जाएगी। तो जो आदमी जिस ब्रैकेट में होगा उसको उतना टैक्स की छूट मिलती चली जाएगी। अब आप 10% में होंगे तो 10% की छूट मिलेगी, 20% में होंगे तो 20% की छूट मिलेगी, 30% के दायरे में आते होंगे तो 30% की छूट मिलेगी। तो उसे 100% एग्जम्पशन कर दिया गया। दूसरी ओर जो भी उद्योगपति, जो भी उद्योगों के जरिए इसमें पैसा डाला जाएगा, उसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए जरूरी होता है, एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित परसेंटेज खर्च करना, तो वो अगर चाहे तो पीएम केयर फंड में पैसा डाल करके वो उस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपने जो मद बनाया गया, जो एक दिया गया कि आप यहां पैसा खर्च कर सकते हैं, उसको वो पूरा कर सकते हैं, इसको छूट दी। अब इसके बाद पीएम केयर फंड को जो यहां पिटिशनर ने चैलेंज दिया, वो चैलेंज ये किया कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसको बनाया गया है, इसकी जो जो भी इसमें पैसे आएंगे, जो खर्च होंगे, इसकी जांच पड़ताल सीएजी नहीं कर सकेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहला तो इसके चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ब्लैक की लॉ डिक्शनरी का एक फ्रेज निकाला, और फ्रेज को आपके सामने मैं रख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ए ट्रस्ट क्रिएटेड टू बेनिफिट ए स्पेसिफिक चैरिटी और स्पेसिफिक चैरिटीज और टू जनरल पब्लिक रेदर देन ए प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट आर एलिजिबल ऑफन एलिजिबल फॉर फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट। ये ब्लैक की लॉ डिक्शनरी में दिया गया है। अब इसके बाद ये तर्क यहां दिया जा रहा था शुरू से, इसे आपने मीडिया हाउसेस से भी तर्क सुने कि पीएम केयर फंड का जो व्यवस्था देखने वाले हैं वो ये सात लोग हैं। तो ये सात लोगों की बुद्धिमानी पर हम कैसे भरोसा कर लें? और दूसरा, इसका जो जांच पड़ताल जो है वो सीएजी नहीं करेगा। मतलब देश में जितनी जांच पड़ताल सीएजी करते हैं उस पर तो भरोसा है, ये बात अलग है कि जब यूपीए की सरकार थी तो कोयला घोटाले में सीएजी की ही रिपोर्ट को उस समय के तत्कालीन मंत्रियों ने, और उसके बाद 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाले में भी उस समय के सीएजी विनोद राय जी की रिपोर्ट को तत्कालीन मंत्रियों ने ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। हाँ, अब सरकार बदल गई है तो बात अलग है, आप दूसरे तर्क उठा सकते हैं, ऐसी आपको स्वतंत्रता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को कोर्ट किया, केस का नाम है मुल्ला गुलाम अली साफिया बाई डी ट्रस्ट वर्सेस दिलीप कुमार। और इस दिलीप कुमार के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में ही यह फैसला किया था
कि ट्रस्ट कोई भी बनेगा, कोई भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनेगा तो उसे भगवान तो चलाएंगे नहीं, चलाने के लिए तो जरूर कुछ ना कुछ इंसानों को ही ट्रस्टी के रूप में सामने आना होगा। तो जो लोग ट्रस्टी के रूप में सामने आ रहे हैं वो एक पब्लिक ग्रुप है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इसके कारण उस चैरिटेबल ट्रस्ट का जो नेचर है वो नहीं बदल जाएगा, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पीएम केयर फंड को 27 मार्च 2020 को रजिस्टर किया गया एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में, और इसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस दिखाया गया वो नई दिल्ली का है। इस फंड में बजट से एक भी पैसा नहीं डाला जाएगा। और जो आप बार बार सीएजी का तर्क उठा रहे हैं कि इस यहां पर आने वाली इनकम को और यहां होने वाले खर्चे को सीएजी नहीं चेक करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी पब्लिक ट्रस्ट के हिसाब किताब को सीएजी नहीं चेक करता। इसमें क्या इतना आप हवा बनाए हुए हैं? जब किसी भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब किताब को सीएजी नहीं देखता तो पीएम केयर फंड भी एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और इसके हिसाब किताब को भी अगर सीएजी नहीं देखेंगे तो ऐसा कौन सा भूचाल आ जाने वाला है? तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, अब यहां पर एक और विवाद रखा गया, वो क्या? अब पिटिशनर की ओर से तर्क दिया गया कि इस पीएम केयर फंड से, पीएम केयर फंड की स्थापना, चलिए आप उसको नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, अब यहां पर चैलेंज किया गया सरकार के 14 मार्च 2020 और 3 अप्रैल 2020 के नोटिफिकेशन को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 14 मार्च 2020 और 3 अप्रैल 2020 को एक नोटिफिकेशन इशू किया। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आनंद आने वाला है, मतलब आपको यह लगेगा कि पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद ही इतने कंफ्यूज हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि इस फंड की क्या जरूरत है, और अगर है तो इसकी सीएजी जांच नहीं कर रहे हैं, जब वो गिर गया तो अब देखिए वो कहते हैं कि जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसा पड़ा हुआ है उसको आप कोविड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वह भाई साहब, वो फंड आखिर बनाया क्यों गया, इसको भी देखते हैं। तो 14 मार्च 2020 को और 3 अप्रैल 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन जारी किया, और यहां 2020-2021 ईयर के लिए 22,184 करोड़ में से जो सेंट्रल का पहला किश्त दिया वो 11,092 करोड़ रुपए जारी किए गए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया कि वो कोविड में अपनी लड़ाई लड़ सके। इसमें से जो मैक्सिमम पैसा गया 1,611 करोड़, 1,611 करोड़ रुपया महाराष्ट्र की सरकार को दिया गया, और जो मिनिमम पैसा, जो मिनिमम जो पैसा गया वो 6 करोड़ रुपए गोवा की सरकार को दिया गया। अब पिटिशनर कह रहा है कि ये पैसा जो सरकार ने दिया 11,092 करोड़ जो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से निकाल के सरकारों को दिया है, ऐसा सरकार नहीं कर सकती है, ऐसा स्टेच्यूटरी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न यह उठा कि सरकार किसी महामारी के समय, किसी संकट के समय या नॉर्मल टाइम में भी पैसा कहां से दे रही है, पैसे की व्यवस्था कहां से कर रही है, क्या इसको बताने का भी काम अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज इन द डोमेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, विच फाइनेंशियल प्लानिंग इज मेड आफ्टर ड्यू डिलिबरेशन एंड कंसिडरेशन, वी दस डज नॉट फाउंड एनी सब्सटेंस इन सबमिशन ऑफ पिटिशनर दैट देयर इज स्टेच्यूटरी रिस्ट्रिक्शन इन यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड फॉर कोविड-19। अब पिटिशनर के तर्क की ओर जरा ध्यान दीजिए। पहले वो कह रहे थे कि पैसा ये अलग फंड क्यों बनाया गया,
जब इस फंड से निकाल के पैसे देने की बात हुई तो कहते हैं आप इस फंड से पैसा कैसे निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब अब ये इतनी बड़ी महामारी है, इस समय ये तो एक एप्रिसिएबल स्टेप है सरकार का कि वो अपनी ओर से प्रोएक्टिव है, वो अपनी ओर से एडवांस तरीके से तैयार दिखाई दे रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड की कमी भी नहीं होने दे रही है। और फंड का मैनेजमेंट जो है ये सेंटर का सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार पैसे कहां से दे रही है, किस मद से पैसा दे रही है, इसको चेक करने का काम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए न करें। ये आप ये न बताएं कि इस फंड से पैसा दीजिए, उस फंड से मत दीजिए, अमुक फंड का इस्तेमाल कीजिए, ये बताने का काम आपका नहीं है। तो पीएम केयर फंड को लेकर के जो ये तर्क रखे गए, पहले तो इसको खारिज कर दिया इन्होंने, और इन्होंने सीधे सीधे कहा, अब उन्होंने चर्चा की इन दोनों फंड की कि आखिर पीएम केयर फंड की जरूरत क्यों थी। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने और स्पष्ट करते हुए कहा कि जब आप स्टेट डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड के गठन को देखेंगे और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड जो था वो लिमिटेड कैलेमिटीज के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसमें बायोलॉजिकल या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी शामिल नहीं थी। समझिए जो लोग ये राजनीतिक प्रश्न उठा रहे हैं जनता के बीच में भी कि आखिर पीएम केयर फंड की जरूरत क्या थी, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कैलेमिटीज बताई गई थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में वो बड़ी लिमिटेड कैजुअल्टीज थी, लिमिटेड कैलेमिटीज थी, इसमें जो है वो पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसीज नहीं आती हैं, और बायोलॉजिकल अगर कोई कैलेमिटी आती है तो वो वहां शामिल नहीं है, जिसके कारण ये आवश्यकता महसूस की गई जब ये COVID-19 की महामारी का स्वरूप आ गया सामने, तो ये आवश्यकता महसूस की गई कि पीएम केयर फंड को बनाया जाना चाहिए, एक ऐसा फंड डेडिकेटेड इस चीज के लिए बनना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तीसरे तर्क को भी खारिज कर दिया और कहा कि पीएम केयर फंड के गठन को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में है, ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा, जो मिनिस्टर है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं है, वो भी अपने पदेन कैपेसिटी में है, जो भी आदमी कल गृह मंत्री होगा वो उसका ट्रस्टी होगा। ये तीन लोग जिन और तीन लोगों को चुनेंगे वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, तो अगर आप उनकी बुद्धिमानी पर भी अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं तो फिर आपकी बुद्धिमानी पर हमें ही संदेह होता है। अब आते हैं इशू नंबर 4 पर। इशू नंबर 4 भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। इशू नंबर 4 में यह कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जो पैसा जमा हो रहा है यह सारा पैसा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में जमा होना चाहिए, और पिटिशनर ने यहां तर्क दिया कि सरकार ने 2015 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो बना 2010 में उसमें एक परिवर्तन किया है, और परिवर्तन कर देने के कारण 2015-16 के बाद से ही नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसा नहीं आ रहा है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सरकार ने एक और फंड बनाया, यह सही है, फंड बनाया 2020 में, और सरकार के पास एक फंड पहले से बना हुआ था 2010 का, और पिटिशनर का कहना है कि 2015 में हमें आपको छोड़ दीजिए, दुनिया में किसी को यह पता नहीं था कि 2020 में इतनी बड़ी महामारी आएगी कि पूरा साल जो है वो कोरोना करते हुए चला जाएगा। सरकार को तो भूल ही जाइए, इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता पूरे विश्व में हैं, न जाने क्या क्या बता देते हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया था कि 2020 का जो हम लोग इतना वेलकम कर रहे हैं वो कुछ ऐसा भयानक होने वाला है। तो पिटिशनर ने तर्क दिया कि 2015-16 में ही सरकार ने इस नोटिफिकेशन में परिवर्तन कर दिया, जिसके कारण अब एनडीआरएफ में पैसा आ ही नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जरा सा सोचिए आप खुद कि क्या कोई भी सरकार
2015 में नोटिफिकेशन देगी जिससे 2020 में एक नया फंड बनाया जा सके। तो ये गले तो नहीं उतरता है आपका ये तर्क। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आज भी एनडीआरएफ में डोनेशन का रास्ता खुला हुआ है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी उद्यम अगर पैसा डालना चाहता है तो इसमें सरकार ने ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसे को डोनेट करने के लिए। पीएम केयर फंड का भी रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, ये व्यक्ति को चुनना है कि वो पीएम केयर फंड में पैसा देना चाहता है या नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसा देना चाहता है। सरकार की ओर से नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसे के सबमिशन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। तो ये जो चौथा तर्क आप दे रहे हैं, और दोनों फंड अलग अलग हैं, इसलिए जो पीएम केयर फंड में पैसा आ रहा है इसको एनडीआरएफ में जमा कराया जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अब आते हैं पांचवा विवादित बिंदु। पांचवें विवादित बिंदु में पिटिशनर कहते हैं जितना पैसा अब तक पीएम केयर फंड में आ गया है सारा पैसा पहले एनडीआरएफ फंड में डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने विस्तार से हमने आपको बता दिया कि यह एक स्टेचुटरी फंड है, एक स्टेचूट के जरिए यह फंड बना, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में ये फंड बन रहा है। इस फंड के लिए इस फंड का पैसा कहां इस्तेमाल किया जाएगा वो बिल्कुल स्पष्ट है, और दोनों फंड अलग अलग हैं। जब दोनों फंड के ऑब्जेक्ट अलग हैं, दोनों फंड अलग हैं, तो पीएम केयर फंड के पैसे को हम कैसे आदेशित कर दें कि वो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में डाल दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी अपने हाथ खड़े कर दिए, या ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो आपका विवाद 3, 4, 5, ये जो आप इश्यू नंबर 3, 4, 5 को उठा रहे हैं, ये 3, 4, 5 के साथ 1 और 2 को भी पढ़ लीजिए। आपने जो 5 इश्यू उठाए हैं इसमें किसी भी इश्यू में हम आपके फेवर में कोई डायरेक्शन नहीं देने जा रहे। तो पहला इशू इस बात को लेके था कि सरकार एक नेशनल प्लान लेके आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वर्तमान सरकार ने जो नोटिफिकेशन इशू की है, जो प्लान सामने रखा है, उस पर कहीं दिक्कत नहीं है। धारा 11 जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वहां जो जो बातें बताई गई हैं उसको सरकार ने पहले से ही ध्यान में रखा हुआ है और उसका प्लान बिल्कुल क्लियर है, तो वहां डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। दूसरा इशू जो आपने उठाया कि धारा 12 का इस्तेमाल करते हुए फिर से एक गाइडलाइन जारी की जाए, तो सरकार ने जो गाइडलाइन नवंबर 2019 में जारी की है वो फुल फ्लेज क्लियर है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि रिलीफ का क्या मतलब होगा, रिहैबिलिटेशन कैंप कहां बनेंगे, वहां खाने की क्या व्यवस्था होगी, शेल्टर कैसा होगा, पानी का क्या व्यवस्था होगी, कौन कौन से सामान दिए जाएंगे, वहां सैनिटेशन की क्या व्यवस्था होगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस की सारी व्यवस्था सरकार क्लियर कर रही है। तो फिर से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के धारा 12 में नोटिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। और इशू नंबर 3 जो आपने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को लेकर उठाया और पीएम केयर फंड को लेकर के उठाया, यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पीएम केयर फंड के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं कोई ऐसी लीगल वायलेशन नहीं दिखाई देती। दोनों फंड अलग अलग है, पब्लिक आज भी स्वतंत्र है, दोनों फंड में जिस फंड में चाहे उस फंड में पैसा डालने को पब्लिक स्वतंत्र है, सरकार की ओर से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया। चौथा इशू कि जो भी पैसा आ रहा है उसको एनडीआरएफ में जमा होना चाहिए, ऐसा डायरेक्शन देने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। और पांचवी चीज कि जितना पैसा आज तक जमा है उस पैसे को पहले एनडीआरएफ में ट्रांसफर करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती, ऐसा कोई भी आदेश हम नहीं दे रहे। अब यह प्रश्न आप सभी लोगों के लिए है कि ये जो 5 इशू उठाए गए, क्या वास्तव में इसको जो नाम दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, इसमें आपको कोई पब्लिक इंटरेस्ट दिखाई देता है? इस कोविड महामारी के समय
जो भी दुर्भाग्य से इस महामारी के चपेट में आ गए, जो कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्या उनको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि सरकार किस एक्ट में उनके रहने खाने की व्यवस्था कर रही है, सरकार किस फंड का इस्तेमाल करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, सरकार किस फंड का इस्तेमाल करके उनकी टेस्टिंग की व्यवस्था करा रही है, सरकार कौन से मद से पैसा निकालकर रिहैबिलिटेशन सेंटर चला रही है, या जनता सिर्फ इतना देखना चाहती है कि अगर वो दुर्भाग्य से कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, कैसे उनको नॉर्मल लाइफ में वापस लाया जाए। तो वर्तमान सरकार की सिर्फ आप आलोचना अगर इसलिए करना चाहते हैं कि ये आपकी सरकार नहीं है या राजनीतिक एक द्वेष है तो बात अलग है, वो करते रहिए, उसकी आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का नाम दे करके आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो फुलफिल करना चाहते थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, लॉ समझ थोड़ा बहुत जो समझ में आता है उसके कारण ये कह सकता हूं कि यहां सुप्रीम कोर्ट को पिटिशनर को एक अच्छे खासे अमाउंट का कंपनसेशन भी चार्ज करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जैसे एपेक्स कोर्ट, जो कि इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसका समय बर्बाद करने के लिए यह पिटीशन दायर की। तो पीएम केयर फंड को लेकर के जितना भी डिबेट चली, उस डिबेट में लीगल इश्यू क्या है, इस मुकदमे में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में वो पांच कौन से सवाल थे इसको आपके सामने रखा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये आपके सामने रखा, कौन कौन से मुकदमे डिस्कस किए गए, और पीएम केयर फंड को, इसकी व्यवस्था को लेकर, इसके प्रशासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी रखा इस फैसले में, इस 78 पेज के फैसले में, उसकी समरी, उसकी विवेचना मैंने आपके सामने रखी। अगले वीकेंड लेक्चर सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट केस के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।